गुड इवनिंग, दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आखिर आपके लिए आ ही गया वीकली अपडेट सोने चांदी के ऊपर। तो आज की डेट है 13 अप्रैल। अभी समय हो रहा लगभग 4:15 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए गोल्ड और सिल्वर की वीकली अपडेट हम लेके आए हैं। इसको हम समराइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो वीकली दिया था उसमें आपको क्या क्या चीजें बताई थी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स पे हम रेगुलर आपके लिए अपडेट दे रहे हैं। सुबह मॉर्निंग लगभग 7-8 बजे के आसपास डेली आपके पास वीडियो आती है और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उन वीडियोज के माध्यम से। और मेरा भी ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग मेरे वीडियोज के माध्यम से जरूर हो रही होगी। तो एक बार हम देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने आपको बताई थी लास्ट वीकली वीडियो में। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको आपके सामने दिया था। लास्ट जो हमने वीकली अपडेट आपको दिया था उस समय ये लाइन टेस्ट नहीं हुई थी, लास्ट वीक के क्लोजिंग पे हमने दिया था। और हमने आपको बताया था कि ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। 1980 में जो हाई बना था उसको हमने मिलाया और 2011 में जो हाई बनाया था उसको मिलाया और 2024 में एग्जैक्टली मार्केट यहां पर आया। और कल के सेशन में आपने देखा किस तरीके की गोल्ड की मार्केट में तबाही मची है ऊपर के भाव से। अभी हम डिटेल में बातें करेंगे क्या डेवलपमेंट हुई है। और दूसरा, हमने आपको सिल्वर का चार्ट दिया था वीकली एनालिसिस में और हमने आपको जोन दिया था लगभग 2850 के आसपास। ये ज्यादा एक्सटेंड हो गई बाजार, लेकिन फिर भी मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है अच्छा क्लोजिंग दिया है, 2789 के आसपास क्लोजिंग दिया है। इस पे भी हम बात करेंगे। और जो लोग हमारे रेगुलर वीडियोज देखते हैं मॉर्निंग आवर में, कल हमने आपको अपडेट दिया था कि इस तरीके के मूवमेंट गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पे हो सकती है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था तो बहुत कुछ आपने मिस किया ऐसा मान के चलिए। मार्केट एग्जैक्टली बिल्कुल जिस तरीके से हम सोच रहे थे उसी तरीके से मूवमेंट किया। थोड़ा बहुत ऊपर गया बाजार, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर जा रहा था इसको जाने दीजिए जहां तक जा रहा है। जब तक हमारी इस लाइन के नीचे मार्केट नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जिस तरीके से मैंने चीजें बताई थी, आप लोगों ने देखा होगा और कुछ ना कुछ लर्निंग किया होगा। जिस तरीके से गोल्ड के बाजार में हुआ सेम इसी प्रकार का प्रेडिक्शन हमारा सिल्वर के मार्केट में भी था। तो आपने देखा होगा सिल्वर के मार्केट में भी बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट हमको नीचे की तरफ देखने को मिला। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे और क्या हो सकता है। और कुछ ये चार्ट मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं, ठीक है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है कॉमेक्स का, ठीक है। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है सिल्वर कॉमेक्स का और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है गोल्ड एमसीएक्स का और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है सिल्वर एमसीएक्स का। तो अभी हम जितने भी मैंने आपको चार्ट दिखाए सारे के सारे चार्ट्स पे हम एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के लिए या आने वाले समय के लिए गोल्ड के बाजार में किस तरीके की मूवमेंट्स रह सकती है और नेक्स्ट वीक में किस तरीके की मूवमेंट्स रह सकती है। और मैं कोशिश करूंगा मंडे के दिन भी आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो लेके आने के लिए, ठीक है। क्योंकि कल की जो ये मार्केट में इस तरीके की मूवमेंट हुई है, अब मंडे की ओपनिंग किस तरीके की होती है और स्टार्टिंग ओपन होने के बाद 1-2 घंटे मार्केट किस तरफ का रुख लेता है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले वीक का। मैं किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मंडे मॉर्निंग में भी वीडियो लेके आने का, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था। तो एक बार थोड़ा हम डिस्क्लेमर देख लेंगे अपने चैनल का, फिर हम आज की एनालिसिस आपके लिए शुरू करेंगे। तो चार्ट ज्योमेट्री एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर हम जो भी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं प्योर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करते हैं। कोई भी बाई या सेल का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी सजेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको नहीं दिया जाता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस मिले कि अगर इस तरीके की एनालिसिस आप लोग सीख लेते हो या करना जानते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए इजी हो सकता है और आप बाजार को चार्ट्स के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है आप लोगों ने डिस्क्लेमर समझ लिया है। तो अब हम सीधे चलेंगे आज की एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग भी पहली बार चैनल पे आ रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बता के जाइएगा। जैसे कि अब आप लोग जानते हैं पहले हम ज्यादा एग्री कॉमोडिटीज की वीडियोस देते थे, तो अभी हमने गोल्ड और सिल्वर का 1-2 वीक से हमने शुरू किया है, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार अच्छा दिख रहा है मुझे, तो आपका आप लोगों का रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो सिल्वर गोल्ड की वीडियोज आपके लिए रेगुलर आ रही हैं और आज तो आपके लिए कंबाइंड मैं वीडियो दे रहा हूँ सिल्वर और गोल्ड की, जिससे कि आप लोगों को अलग अलग
वीडियोस पर न जाना पड़े, ठीक है। और आने वाले समय में हम क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर की भी वीडियोस शुरू करेंगे अकॉर्डिंगली। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। हम सीधे एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े फ्रेम की एनालिसिस की तरफ चलते हैं गोल्ड में, क्योंकि ये वीकली वीडियो है। क्या यहाँ पर पूरे पूरे अभी चीजें हो गई हैं? क्या गोल्ड अभी यहां से तैयार है? क्या गोल्ड का टॉप बन गया? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है बहुत ही मतलब प्रिसाइजली बिल्कुल डॉट टू डॉट मिला के बनाई हुई है, ठीक है। इस लाइन के हिसाब से अभी मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, ठीक है। और अभी हमारी लाइन के नीचे ऊपर ही मार्केट यहाँ पर क्लोज दिया है मंथली पे। अभी ये मंथली कैंडल तो हमारे रनिंग है, अगर मैं इसको वीकली में लेके जाता हूँ तो वीकली में क्या स्थिति है देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी हम देख पा रहे हैं अभी भी ये जो हमारी लाइन है उसके ऊपर ही इस वीक में इसने क्लोजिंग दिया है। बहुत अच्छा रिजेक्शन बार हमको देखने को मिला है। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद बार में थोड़ा आदत नहीं होगी, तो इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, कैंडल में। तो ये कैंडल जो है बहुत अच्छा बेयरिश प्रेशर का कैंडल है, लेकिन हमारा जो लेवल था मंथली चार्ट वाला उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है अभी, ठीक है। तो ये ऊपर से प्रेशर है एग्रीड, लेकिन नीचे जो सपोर्ट लेवल जो जो रजिस्टेंस को ये ब्रेक करके गया था, जो पुरानी हमारी रजिस्टेंस की लाइन है उसके ऊपर ही अभी ये मार्केट दिख रही है हमको, ठीक है। तो अगर हमको बड़ा व्यू बनाना है, जैसे कि हम ये सोच रहे हैं कि ये जिस तरीके से वो 1980 में इस लाइन से नीचे गिरा था, कितना कितना गिरा था एक बार हम परसेंटेज वाइज इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझने के लिए इजी जाएगा। तो 1920 में जो इसमें गिरावट आई थी लगभग 68% तक गोल्ड इस ट्रेंड लाइन से गिरा हुआ था, ठीक है। और अगर हम 2011 की बात करें, यहाँ पे 2011 में तो गोल्ड का बाजार गिरा हुआ था अपने इसी लाइन से, वो गिरावट आई थी लगभग 45% की, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग कितना परसेंट बताया था मैंने, एक सेकेंड, वीडियो को कंप्लीट बेसिस पे देख के जाइए, तो मेरा ऐसा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलने वाला है, ठीक है। तो 66% की जो गिरावट आई थी 1980 में आई थी, यहां पर मैं लिख देता हूं, इससे आप लोगों को इजी होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा उसमें कर देता हूं, राउंड नंबर में 65% की गिरावट आई थी, और यहां पर जो गिरावट आई थी 45% की गिरावट हमने देखने को मिली थी, ठीक है। और अभी क्या ये इस तरीके की गिरावट यहां यहां से दे सकता है? तो मैं बोलना चाहूंगा, इसका आंसर मैं हाँ में देना चाहूंगा। हो सकता है इस तरीके की मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, अभी ये जो हमारी रिजेक्शन यहां से ऊपर से आ गया उसके लिए थोड़ा हमको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग भी पैटर्न्स एनालिसिस पे काम करते हैं ऑलरेडी इसके ऊपर के जो टारगेट्स हैं मेरे ख्याल से वो मीट हो गए होंगे ऑलरेडी। यहाँ पे एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कभी कुछ अगर ऊपर बाकी होगा तो सकता है इसमें नया हाई लगने के चांसेस। अभी हम केवल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जब तक ये ऊपर की रेड लाइन के नीचे बाजार आती नहीं है, ठीक है, जब तक इस उस लाइन के नीचे मार्केट आती नहीं है, तब तक हम इन चीजों को एजम्पशन ही मार के चलेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें ऊपर की जगह अभी बाकी है इस पैटर्न्स के हिसाब से, लेकिन हम अगर इसको हम ना देखें, ठीक है, इसको हम ना देखें यहाँ पे, और हम ये देखें कि बाजार इस रेड लाइन के नीचे कब क्लोज करता है। वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं डिटेल में आपके साथ चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये रेड लाइन के नीचे अगर ये बाजार वीकली बेसिस पे क्लोज करती है, जैसे कि वीकली चार्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये लेवल लगभग लगभग आएगा आपका 2330 के अराउंड, बहुत पास में है, ठीक है। तो हो सकता है इस वीक में इस लेवल्स के आसपास सपोर्ट मिले मार्केट को और मार्केट ऊपर जाए, फिर ऊपर से दोबारा प्रेशर लेके नीचे आए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा अगर 2330 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है नेक्स्ट वीक की, तो उसके अगर नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए बहुत बढ़िया चीजें हो सकती हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, ज्यादा लंबा खींचते नहीं है। और अभी हम चलते हैं सिल्वर के चार्ट की तरफ। ये अभी पोजिशनल चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके सामने सिल्वर का चार्ट आ रहा है, सिल्वर का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सिल्वर का जो ये रेजिस्टेंस था लगभग 2020 2021 का, ये जो रेजिस्टेंस था मार्केट ने भी वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया हुआ है, लेकिन देखो इतना कल गिरावट आने के बाद भी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रही है, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप क्लोजिंग चार्ट पर देखोगे ना, आपको कुछ भी पता नहीं चल, कल का मूवमेंट आपको दिखेगा ही नहीं,
ये देखिए, आप क्लोजिंग चार्ट पर बिल्कुल अभी भी अपसाइड की ही टिक ये दिखा रहा है। इवन आप गोल्ड के चार्ट पर भी अगर जाके देखेंगे तो आपको समझ आएंगी चीजें। अगर मैं गोल्ड के चार्ट को क्लोजिंग बेसिस पे लगाऊं, यहां पर ये रिजेक्शन आपको दिख रहा है, तो क्लोजिंग चार्ट पे आप इसको देखेंगे ये देखो कंटिन्यूअसली अपसाइड ही दिखाएगा क्योंकि क्लोजिंग ऊपर है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये जब तक हमारा पिछले वीक के नीचे एक क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक इसमें जो चीजें होंगी मतलब नीचे को उतना कॉन्फिडेंस से चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऑलरेडी मार्केट ने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, और अगर ये टॉप हमारा कंफर्म है तो आने वाले दिनों में जो नीचे के लेवल्स हमने आपको बताए थे उन लेवल्स के आसपास तक दोबारा से सिल्वर की बाजार आने की कोशिश करेगी क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था। तो ब्रेकआउट होने के बाद आप लोगों को पता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए अपनी जोन में आता है। ठीक है, तो सिल्वर के चार्ट पे भी रेजिस्टेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है अगले वीक में मार्केट इस जोन में दोबारा से जाए और फिर वहां से शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इन चार्ट्स की तरफ चल रहे हैं, तो ये चार्ट अभी आप समझ सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पे गोल्ड का बाजार हमको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अगर हम गोल्ड और सिल्वर दोनों को हम एक साथ मिला के यहाँ पर चलें तो गोल्ड का जो मार्केट है ये जो रेड कलर की लाइन है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। ठीक है, जब ये लाइन ब्रेकआउट हुई थी तब मैंने बताया था ये जोन के आसपास से इसको रिजेक्शन मिलेगा और इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, वहां से फिर मार्केट यहाँ पर आया है, तो ये एरिया में मार्केट की एक बार बाइंग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां से एक बार बाइंग होके मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर मंडे की ओपनिंग में मार्केट अगर 2320 के नीचे अगर सस्टेन करती है या 2320 के निकलते ऊपर निकलती है तो फिर इसका इस रेंज के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मार्केट फिर कोई भी अपसाइड आएगा फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग के मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन के लिए मैं आपको 2320 के लेवल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी देने के लिए बोलूंगा। ये 2320 के आसपास की जो जोन है ये डिसाइडर जोन होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए और जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे लग रहा है कि एक बार ऐसे करके ये इस तरीके से ऐसे मूवमेंट कर सकती है नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन ये केवल एक प्रोजेक्शन है और मैं इन शॉर्ट आपको ये बोलना चाहूंगा 2320 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मार्केट 2320 के नीचे ट्रेड करती है तो पूरे वीक में सेल ऑन राइज मार्केट हो सकता है और जब अगर 2363 के ऊपर ये ट्रेड करती है मार्केट नेक्स्ट वीक में तो हो सकता है कि ये 2320 का जो सपोर्ट है इंटैक्ट रहे और कुछ दिनों के लिए और मार्केट वापस से 2394 या 2400 तक के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर सकती है। तो ये दो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको और जो भी अपडेशन होगा मंडे के दिन मॉर्निंग आवर में जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग समझ लेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है फर्दर क्योंकि ये ओपनिंग के बाद हमको पता चल जाएगा क्या चीज यहाँ पर होने वाली है। और एक चीज मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूं, ठीक है, अगर मंडे को मार्केट इन्हीं जोन्स के आसपास अगर ओपन होता है जहां पर अभी है और वापस से 2320 आता है तो यहां पर बाइंग आने की हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन होता है 2320 के नीचे तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। आई होप आपको रीजन लॉजिक सारी चीजें समझ में आई हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिल्वर के बाजार की, तो सिल्वर का बाजार के लिए ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का लेवल है 2750 का। ठीक है, मार्केट इतने दूर से आ रहा है तो एक बार तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड करेगा क्योंकि मार्केट ने कितना ज्यादा यहाँ पर क्लस्टर किया हुआ है। ठीक है, तो सिल्वर का बाजार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड का है, अगर ये 2750 के नीचे अगर निकलेगा तभी इसमें बेयरिश प्रेशर आएगा, नहीं तो एक बार ये 2750 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा, यहां से ऊपर के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। आई होप आपको ये सिल्वर कॉमेक्स की भी एनालिसिस समझ में आई है। अब टाइम ऑलरेडी 14-15 मिनट का वीडियो हो गया है, उधर के चार्ट हम कवर नहीं कर पाए। चलिए एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं अपने चैनल का फिर से, जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं सारी चीजें आपकी लर्निंग के लिए हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताई गई हैं, कोई भी बाई या सेल का सजेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दिया गया है। वीडियो केवल इसी उद्देश्य बनाया गया है कि आपको चीजें पता चले
कि इस तरीके के एनालिसिस सीखने या करने के बाद आप इस तरीके की चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो आप, अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस, मेरी स्टडी अच्छी लग रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपना लर्निंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जो भी आपके अनुभव रहेंगे वीडियो देखने के बाद कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करके जाइएगा। तो आज के वीडियो को हम यही क्लोज करने जा रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टाइम की कमी के कारण हम उधर के जो दूसरे हमारे बचे हुए चार्ट्स हैं, इनको हम अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि फिर 10-15 मिनट हमारे और चले जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी गोल्ड सिल्वर पे आपके लिए रेगुलर वीडियोस दे ही रहे हैं, तो वहां से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा अपना भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, इस तभी चीजें बढ़िया तरीके से होंगी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। तो आज के वीडियो को हम यही क्लोज करने जा रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।